टीके न्यूज लाइव, नजर हर खबर पर। सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरबी कुरैशी है। मैं नगर परिषद में आज 23 तारीख 7वां महीना 2020 4:15 को नगर परिषद में मैं अर्जी लेकर गया तो सीओ साहब ने अर्जी हाथ में भी नहीं लिए और बात भी नहीं करे। वो बोलते हैं कि भाई मेरे को इंग्लिश और मराठी में बात करो, मेरे को हिंदी नहीं आती। और ये जो अर्जी तुम्हारी, तुम आगे दूसरे टेबल पर दियो, ऐसा बोले उन्होंने। मानो सर तुम कम से कम देख तो सही, देखो तो सही, तो नहीं बोले। मानो भाई हमारे घर के सामने उन्होंने स्विमिंग पूल बनाए, रोड बनाने की लाइन नहीं हो रही, तो मेरी कोई उन्होंने बात सुनी नहीं। हमने ये अर्ज नहीं किया, सब लोगों की सहमति से लेके थे, इसमें नहीं किया। 15 लोगों के नाम भी है और दस्तखत भी है, तो सीओ ने जिसके पास भेजे तो उन्होंने भी बोले चौधरी साहब तुम बाद में आओ, क्या तुम कल आओ, तुम्हारी ये कल अर्ज हम दूसरे के पास देंगे जिनके पास है। तो है सीओ साहब के पास और दो लोग बैठे हुए थे, सीओ साहब ने हमसे डायरेक्ट बात नहीं करे, उनको बोले उन्होंने हमारे से बात करे। सीओ बोलते भाई मेरे को हिंदी नहीं आती, मैं इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज समझ सकता बोले, और वो बोल सकता, मैं तुम्हारे से बात नहीं कर सकता। तो बोलो सर हमने किसके पास जाना, तो बोले पठान साहब के पास जाओ। पठान साहब के पास हम अर्जी लेकर के, पठान साहब ने बोले ये चौधरी साहब जिसके हाथ में है बोले उससे अपन कल आओ, बोले तुम अपन उनके कल देंगे जैसा। अब हमने किसके पास जाना, हमने अन्नू नगर सेवक को बोले, तो अन्नू नगर सेवक बोलते भाई हमारे हाथ में काम नहीं है, हम किससे बात नहीं कर सकते। और अखिल वसेकर से बात करें तो अखिल वसेकर बोलता है भाई हम हो जाएगा काम, क्या जीतू से बात करें तो बोलते हो जाएगा काम। और हर किसी से बात करते तो हर कोई ये बोलता है कि भाई तुम आमदार साहब के पास गए क्या, समीर के पास गए क्या, क्या अब सला नगर परिषद में आने के बाद सीओ से बात करने के बाद सीओ ये अर्जी नहीं ले रही, दूसरे उनके नीचे वाले अधिकारी अर्जी नहीं ले रहे, फिर अर्जी हमने देना किसके पास, और नगर परिषद के मसले कौन हल करेगा, क्या हर कोई क्या बोलता। नगर सेवक समीर के पास जाओ, हमारे वार्ड के समीर साहब नगर सेवक नहीं है, क्या दूसरे वार्ड के, हम उनके पास जा नहीं सकते ना, आप वो नगर अध्यक्ष रहते बात है क्या कि हम उनके पास जा सकते थे करके। अब वो बोलते हैं आमदार, हर कोई जैसा आने जाने वाला इंसान कैसा रहता, किसी की मजाल नहीं कि भाई कोई समीर के पास या 70 सीट के पास चल जाए बेचारे, वो ऑफिस में जाते अर्जी लेके, अर्जी ये सीओ साहब नहीं लेते। तो हमने जैसा किसके पास जाना, हमारा मसला हल कौन करेगा, यहाँ पर बच्चे अगर हमारे डूबेंगे तो कौन जिम्मेदार रहेगा, तहसीलदार, कलेक्टर, सीओ, नगर परिषद, कौन जैसा जिम्मेदार रहेगा, क्या जैसा अगर अल्लाह ना करे कुछ 19-20 होगा तो फिर इसका डिपार्टमेंट जैसा किसके हाथ में है। यहाँ हर कोई नगर सेवक आके गया, नगर सेवक अन्नू नगर से आके गया, अखिल वसेकर आके गया, जीतू आके गया, हर किसी को इधर आना जाना है, कोई मौत मट्टी में आता, कोई शादी ब्याह में आता। ये सब होने के बाद यहाँ नजर किसी की नहीं पड़ती। अब यहाँ स्विमिंग पूल इन्होंने बना के डाले, इधर से भी बड़ी ढापा है, उधर से भी बड़ी ढापा है, सेंटर में पानी तुम्हारा है, इसमें बच्चे आके खेलते, बारिश जब चालू रहती ना वो टाइम में बच्चे आकर खेलते। तो इनका जिम्मेदार कौन जिम्मेदार रहेगा, नगर सेवक रहेगा, ये नगर अध्यक्ष रहेगा, ये सीओ रहेगा, ये वार्ड के नगर सेवकों के पास जा रहे थे, वो बोलते भाई हमारे हाथ में काम नहीं है, हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते, तो फिर किसी के पास जाना। तहसीलदार रहेंगे क्या, नगर पालिका रहेंगे क्या, पुलिस रहेगी क्या, कौन रहेगा, फिर पानी बहुत तक तुम्हारा, हमारे घर के सामने बच्चे गिरेंगे पड़ेंगे तो नाकू में पानी जाएगा, तो फिर इसकी जिम्मेदार कौन हो सकता। और कुछ परेशानी खाना, और परेशानी मच्छर भी हो जाते, बहुत
बच्चे मानते नहीं, पानी में जाते हैं। हम जो आपका रास्ता जो ये रास्ता है कि आपको जाने आने, हमको ये रास्ता जाने आने का। तो आपने नगर पालिका में उसमें एप्लीकेशन दिए थे? हाँ दिए थे। सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए।